से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। इस वीडियो में क्लास 12 CBSE बोर्ड हिंदी कोर काव्य भाग 8 कवितावली और लक्ष्मण मुच्छ और राम का विलाप, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी प्रसंग भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो इसकी व्याख्या करने से पहले चलिए कवि परिचय एक बार कुछ इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं इनके जीवन परिचय से। तो गोस्वामी तुलसी जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नमक ग्राम में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सोरो ही मानते हैं। इनका जो बचपन है वो काफी कष्ट में तकलीफ में बीता था, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उनका वियोग उनको सहना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने गुरु नरहरिदास जी की कृपा से इनको राम भक्ति का जो मार्ग मिला, और उसके बाद जब ये युवक हुए तो इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से इनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हुए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। इनका निधन काशी में ही सन 1623 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहचु, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका जो कि काफी फेमस है, प्रसिद्ध है, विनय पत्रिका आप लिख सकते हैं, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में रामकथा, कवित्व और सवैया छंदों का रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद हैं। और इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। इनको राम भक्त प्रमुख, राम भक्त का दर्जा इनको दिया गया है। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और इनकी जो भाषा शैली है, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की बहुल समृद्धि मिलती है। ये अवधि तथा ब्रजभाषा जो कि वृंदावन मथुरा में इनकी इनको बोली जाती है ये भाषाएं, इनकी संस्कृति कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में इन्होंने काफी विशिष्टता, बिल्कुल विशेष रूप से इनकी कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो आइए पहले पहली कवितावली से शुरू करते हैं। किसे भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट, चोर चार चेटकी, पेटको पढ़त गुन गुढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, नीचे नीचे करम धरम अधरम करी, पेट ही की पचित वोचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़ बागीते बड़ी है आग पेट की। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ किसी भी का मतलब होता है धंधा,
और किसान मतलब किसान ही होता है, कुल का मतलब परिवार, बनिक यानी कि व्यापारी, भिखारी यानी कि भीख मांगने वाला, भाट यानी कि राजाओं की प्रशंसा करने वाला, चाकर यानी कि नौकर, घरेलू नौकर होते हैं, चपला चप्पल यानी कि चंचल, नट यानी कि जो खेल दिखाने वाला नट होता है, चोर यानी कि चोर, चार यानी कि गुप्तचर, चेटकी, चेटकी का मतलब होता है बाजीगर, पेट को मतलब पेट की, गुण गुणहत, पढ़त यानी कि पढ़ना, गुण गढ़त यानी कि विभिन्न कलाएं व विद्याएं सीखना, अटत यानी कि घूमना, ठीक है। अहन, अहन का मतलब होता है दिन, कर्म यानी कि कार्य, कर्म का मतलब होता है कर्म कार्य, धर्म अधर्म यानी कि धर्म और अधर्म, घन श्याम, घन श्याम का मतलब होता है काला बादल, बुझाड़ यानी कि बुझाड़ का मतलब होता है बुझाई का मतलब बुझाना या शांत करना, ठीक है। और बड़ बागीते का मतलब होता है समुद्र की आग से, बड़ वागीते, आग पेट की यानी कि भूख, पेट की आग हमेशा भूख ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रसंग में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग टू में संकलित कवितावली के उत्तराकांड उत्तरकांड से उद्धृत है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ पर चित्रण किया है। इस प्रकार हिंदी शैली का आप प्रयोग करके आप इसके प्रसंग को आप लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में किसी भी यानी कि मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, भाट यानी कि चारण, नौकर, ठीक है, नौकर, चंचल नट, चपला यानी कि चंचल नट, चोर, चार यानी कि बाजीगर, चार यानी कि गुप्तचर, चेटकी यानी कि बाजीगर आदि अपना पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है पढ़त, कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर में गहन मतलब गहरे घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता है, अखेट की यानी कि शिकार की खोज में वो भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े ऊंचे नीचे कर्म यानी कि पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी काम करते हैं, धर्म या अधर्म सभी प्रकार के काम वो करते हैं। उसका विचार भी वो नहीं करते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसका विचार वो नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। ये कहते हैं ना कि बड़ भागीते यानी कि समुद्र की आग से, ठीक है, पेट की आग जो है वो समुद्र की आग से भी भयंकर है और वो केवल भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तो इस कवित्व की अगर विशेषताएं हैं तो समाज में भूख की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है।
और तत्सम सब शब्दों का अधिक प्रयोग है इसमें, ब्रजभाषा लालित्य है, और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। ये आपको जरूर लिखना चाहिए कौन कौन से शब्द में हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 6 से 8 नंबर का ये आता है। इतना ही, अगर पहला आप अगर कवितावली इसको आप इसका ठीक से व्याख्या अगर आप करते हैं और अगर आप इसकी विशेषताएं लिखते हैं तो आपको मिनिमम 6 नंबर तो आपको मिलेंगे ही। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अनुप्रास अलंकार दिए गए हैं, जैसे किसवी, किसान कुल, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, चोर इत्यादि। तो इसके आगे देखते हैं दूसरे कवित्व को। खेते न किसान को, भिखरी को न भीख, बलि बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्यमान सोच बस, कहीं एक एकन सो, कहां जाए का करी। वेद हूं पुराण कही, लोक हूं बिलोक की अत, साकरे स सबै पे राम, राव ने कृपा करी, दारिद दसानंद दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी, खहा करी। इसके कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। बलि यानी कि बलि का मतलब होता है दान या दक्षिणा। बनिक यानी कि व्यापार, व्यापारी। बनिज यानी कि व्यापार। चाकर यानी कि घरेलू नौकर। चाकरी यानी कि नौकरी। जीविका विहीन का मतलब होता है रोजगार से रहित, बेरोजगार, जिसके पास कोई काम ना हो, नौकरी ना हो। और सिद्यमान यानी कि सुखी, दुखी। सोच यानी कि चिंता। बस यानी कि बश में। एक एकंशों माने आपस में, एक एकंशों का मतलब होता है आपस में। का करी यानी कि क्या करें। वेद हूँ यानी कि वेद, पुराण यानी कि पुराण, लोक हूँ यानी कि लोक में भी। विलोकियत, विलोकियत का मतलब देखते हैं, विलोकना यानी कि आपने सुना होगा शब्द, विलोकन करना यानी कि देखना। विलोकियत यानी कि देखते हैं। सांकरे यानी कि संकट। रावरे यानी कि आपने। दारिद यानी कि दरिद्रता यानी कि गरीबी। दशानन यानी कि रावण, क्योंकि रावण के ही 10 सिर थे इसलिए उनको दशानन भी कहा जाता है। दबाई यानी कि दबाया। दूनी यानी कि संसार। दीन बंधु यानी कि दुखियों पर कृपा करने वाला, यानी कि भगवान, भगवान श्री राम की बात हो रही है यहाँ पर। दुरित यानी कि पाप यानी कि दुष्कर्म। दहन यानी कि जलाने वाला या नाश करने वाला। हाहा करी यानी कि दुखी हुए। इसके प्रसंग को भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन मतलब उस समय के सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है। इस प्रकार के शब्द जैसे यथार्थ परक चित्रण, तत्कालीन यानी कि उस समय के, अगर हिंदी में हम इस तरह की बात करें तो तत्कालीन मतलब उस समय, सामाजिक आर्थिक, इस तरह के शब्दों को काफी सराहा जाता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती
नष्ट हो गई है, यानी कि खेती ना किसान को, यानी कि किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है, कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भी उसको भीख नहीं मिल रही है, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती, इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ, जब जब भी धरती पर संकट हुआ, उसी समय उस समय पर, यानी कि तब तब भगवान राम ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी जो रावण ने पूरे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से, जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। तो इसी के साथ में ये दूसरा कवित्व यहाँ पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं तीसरे कवित्व की ओर। धूत कहो अब धूत कहो, रज पूतु कहीं जोलहा कहो कऊ, कहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह वो, काहू की जाते बिगार ना सऊ, तुलसी सर नाम गुलामू हैं राम को, जाको रुच सो कहें कछु औ, मांग कई खैबो मसित को सोईबो, लेबो को एकु न देबो दैव को दौ। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ एक बार देख लेते हैं। धूत यानी कि त्यागा हुआ, अवधूत यानी कि सन्यासी, रजपूत यानी कि राजपूत, जलहा यानी कि जुलाहा, जो कपड़े की बुनाई करते हैं उसको जुलाहा कहा जाता है, कौ यानी कि कोई, काहू की यानी कि कहू की, इसका मतलब किसी की, ब्याहबो यानी कि ब्याह करना है, विवाह करवाना है, विवाह करना है, बिगार यानी कि बिगाड़ना, सरनाम यानी कि प्रसिद्ध, गुलामों यानी कि दास, जाको यानी कि जिसे रुच यानी कि अच्छा लगे, रुचि लगे, जिस पर हमारी रुचि हो, औ यानी कि और, खैबो यानी कि खाऊंगा, ब्रज भाषा है, मस्जिद यानी कि मस्जिद, मस्जिद, सोईबो यानी कि सोऊंगा, लेबो को यानी कि लेना, एकु न देबो को यानी कि एक भी नहीं दूंगा, दौ यानी कि दोनों। सो इसके प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली उत्तराखंड से उद्धृत हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है। इस प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो इसमें इसके प्रसंग की अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रकार जैसा मैंने पहले बताया था, प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तराखंड से उद्धृत हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कवि तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वे श्री राम जी का भक्त हैं और समाज में चाहे उन्हें धूर्त कहें या पाखंडी, सन्यासी कहें या राजपूत, या जुलाहा कहे या कुछ और कहे, इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी का कहना है
कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, उसमें पूरी तरह से समर्पित हूँ, और इसलिए जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मांग के खे वो, यानी कि मैं तो मांग कर खा सकता हूँ। मस्जिद को सोई बो, यानी कि मस्जिद में सो सकता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी संक्षेप में अगर बात करें तो कवि तुलसीदास जी समाज से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, और इनका कोई संबंध नहीं है, वे तो राम भक्ति में ही वो समर्पित हैं। उन्हें राम भक्ति के अलावा और वो कुछ नहीं सूझता है। तो इसी के साथ में हमारा ये तीसरा कवित्व यहाँ पर समाप्त होता है। तो खंड खा में लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप, यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं और राम, भगवान राम इसमें जो शोक प्रकट करते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंग, अस कही आयसु पाह पद बदी चलेउ हनुमत, भरत बाहु बल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महू जात सराहत पुनी पुनी पवन कुमार। कठिन शब्दों को देख लेते हैं इसमें। तब यानी कि तुम्हारा या आपका, प्रताप यानी कि यश, उर मने हृदय, राखी मतलब रखकर, जयहू मतलब जाऊंगा, नाथ मतलब स्वामी होता है, और अस, अस मीन्स इस तरह, कही मतलब कहकर, आयोसु मने आज्ञा, और पाह यानी कि पाकर, पद यानी कि चरण या पैर, बदी यानी कि वंदना करके, बाहु यानी कि भुजा होती है, बाहु मीन्स, और सील, सील मतलब होता है सद्व्यवहार, गुण यानी कि गाण गुण, प्रीति यानी कि प्रेम, अपार यानी कि अधिक, अपार बोलते हैं ना वो अपार, मन महू यानी कि मन में, सराहत यानी कि सराहना करना, पुनी पुनी यानी कि बारंबार बार बार, पवन कुमार यानी कि हनुमान। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं। उसी प्रकार जैसा मैंने पहले बताया था, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छ और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। आपको लिखना है प्रसंग में, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभु यानी कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी कि समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को, प्रीति अपार, अपार भक्ति को मन में बार बार, मन में मन महू मतलब मन में, पुनी पुनी यानी कि बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर लंका की तरफ जा रहे थे। तो आगे देखते हैं दूसरे काव्यांश को। दूसरे काव्यांश में कवित्व में देखते हैं, जहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अपधराती गंग कपि नहीं आयु,
राम उठाड़ अनुज उरलायु, सकडू ना दुखित देखी मोहि काऊ, बांध सदा तव मृदुल स्वभाऊ, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो अनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते नहीं ओहु। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं, जहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, जहाँ मतलब जहाँ पर निहारना यानी कि देखते हैं, देखा लक्ष्मी मन ही यानी कि लक्ष्मण को, ठीक है, मनुज यानी कि मनुष्य, अनुसार यानी कि समान, उनके मनुज के समान, मनुष्य के समान, अपधराति यानी कि आधी रात को, कपि यानी कि बंदर, आयो यानी कि आया, अनुज मतलब छोटा भाई लक्ष्मण, उर यानी कि हृदय, सकड़ू यानी कि सके, सकटू यानी कि सके, दुखित यानी कि दुखी, देखी मोही यानी कि मुझे, काऊ यानी कि किसी प्रकार, तव यानी कि तेरा, मृदुल यानी कि कोमल, स्वभाव यानी कि स्वभाव, सो मैंने ऐसा, ठीक है, अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम, किसी के प्रति प्रीति या प्रेम, वच यानी कि बच यानी कि वचन, बिकलाई यानी कि व्याकुल हुए, अनतेन यानी कि जानता, बन बंधु बिछोहू, बिछोहू का मतलब होता है बिछड़ना या योग, मनते यानी कि मानता, ओहू यानी कि उस, ओहू माने उस, नहीं माने नहीं। तो इसके इसकी व्याख्या और प्रसंग देख लेते हैं। इसके बाद प्रसंग, जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मुच्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इसके इस प्रसंग में लक्ष्मण मुच्छा पर राम के करुण विलाप या शोक का वर्णन इसमें किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान, सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे, आधी रात बीत गई है, लेकिन अभी तक हनुमान जी यानी कि वानर, कपि यानी कि वानर, वानर कौन थे? हनुमान जी जो कि जड़ी बूटी लेने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया, वे बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा कोमल और विनम्र रहा, मेरे लिए तुमने माता पिता का त्याग किया, जंगल में तुमने ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया, ठीक है, हे भाई अनुज यानी कि भाई, अब वह प्रेम कहाँ है, कहाँ अब भाई यानी कि हे भाई, अब वो प्रेम कहाँ है, अनुराग कहाँ है, तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर क्यों नहीं उठते हो? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन में नहीं आता। और ये इसकी व्याख्या हो गई। आगे देखते हैं तीसरे प्रसंग को, तीसरे
काव्यांश को। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारह बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिले ही ना जगत सहोदर भाराता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ तैव जियावें मोही। जय भवु जय हों अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाड़ गवाई। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि सुबेस क्षति माही नहीं। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं एक बार। बित यानी कि धन, नारी यानी कि स्त्री, भवन यानी कि राजमहल, परिवारा यानी कि परिवार, हो ही यानी कि आते हैं, जाही यानी कि जाते हैं, जग यानी कि संसार, बारह बारह यानी कि बार बार बारंबार, अस मतलब ऐसा, बिचारी यानी कि सोच कर विचार कर विचार करके, जिए यानी कि मन में, ताता यानी कि भाई के लिए संबोधन, और सहोदर यानी कि एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए भाई, भ्राता भाई। जथा यानी कि जिस प्रकार, बिनु यानी कि के बिना, दीना यानी कि दिनहीन, और मणि यानी कि मणि नागमणि, फनी यानी कि फन, यहाँ सांप के फन की बात हो रही है, और करीबर, करीबर का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी, जो हाथियों में श्रेष्ठ हो। कर यानी कि हाथ भी होता है और हाथी के सूंड को भी कर कहा जाता है। हीना यानी कि हीन, कर हीन यानी कि सूंड रहित, जिस हाथी के सूंड ना हो। और अस मतलब ऐसा, और जीवन यानी कि जीवन, बंधु यानी कि भाई दोस्त सखा, बिनु यानी कि बिना, तो ही मने तेरे तुम्हारे, तुम्हारे बिना, जौ यानी कि यदि अगर, जड़ यानी कि कठोर, जड़ मजबूत होता है कठोर, इसलिए जड़ को कठोर शब्द से इसको निरूपित किया गया है। और दैव यानी कि भाग्य, दैव यानी कि दैविक भाग्य, ठीक है। और मोही यानी कि मुझे, जियावे यानी कि जीने नहीं देते, मुझे जीने नहीं देते, जय हूं यानी कि जाऊंगा, कवन यानी कि कौन, मुह यानी कि मुख, हेतु माने के लिए, गौर गवाई यानी कि खोकर, गवाना यानी कि खोना, खोकर, बरु यानी कि चाहे, अपजस, अपजस का मतलब होता है अपयश, जस का मतलब यश, सहते मतलब सहन करना, माही मतलब में, जग में, नारी यानी कि नारी, विशेष यानी कि विशेष, क्षति यानी कि क्षति या हानि नुकसान। इसके प्रसंग की अगर हम बात करें तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग टू में संकलित लक्ष्मण मुच्छी और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरित के लंका कांड से लिया गया है, और इसमें इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मुच्छा पर राम का विलाप ये वर्णन है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र सुत यानी कि पुत्र, संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार बार बार मिलते हैं,
और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ, हे मेरे भाई तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पंछी या पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवन मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी और मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी, सूंड के बिना सूंड रहित हाथी के समान हो जाएगा। भगवान राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। जय हिंद अवध, यानी कि कवन मुंह, यानी कि कौन सा मुंह लेकर अवध जाएंगे। लाई मने लेकर, कौन सा मुंह लेकर अवध जाएंगे। लोग कहेंगे नारी हेतु, यानी कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को तुमने खो दिया, गवाई यानी कि खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती, विशेष क्षति यानी कि विशेष हानि नहीं होती, नारी हानि विशेष हानि नहीं होती, ऐसा भगवान श्री राम सोचते हैं। आगे देखते हैं चौथे काव्यांश को। अब अपलोकुल सोकुस तोरा, सह ही निठुर कठोर उरुमोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात सासु तुम हूँ प्राण अधारा, सौ पेशी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उररु काहू देहूं ते ही जाई, उठी किन मोही सिखा वहू भाई, बहु विधि सोचत सोची गुमचन, स्त्रवत सलिल राज दल सो लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नारी यति भगत कृपाल देखाई। इसके कठिन शब्दों को बार देख लेते हैं और इसमें सोरठ भी है इसके साथ में, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल गए बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमी करुणा महवीर रस। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अपलोकु यानी कि अपयश, सहाह यानी कि सहही यानी कि सहन कर लेगा, निठुर यानी कि कठोर, उर मतलब हृदय, और मोरा यानी कि मेरा, और कुमारा यानी कि पुत्र, तात माने पिता, सासु यानी कि उसके, जननी यानी कि माँ, ठीक है, जननी का मतलब होता है माँ, और प्राण आधारा यानी कि प्राणों के आधार, ठीक है, सौपेशी यानी कि सौंपा था, सौपेशी ब्रज भाषा में है, अवधि भाषा में सौंपा था, मोही मतलब मुझे सौंपा था, गही यानी कि पकड़कर, और पानी यानी कि हाथ, हाथ को पानी भी कहा जाता है, सलील यानी कि जल, जल को सलील कहा जाता है, सलील, राजीव यानी कि कमल, और गति यानी कि दशा, और प्रलाप यानी कि विलाप, ठीक है। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं, प्रसंग उसी प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मुच्छ और राम का विलाप इस प्रसंग से लिया गया है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मुच्छा पर राम के विलाप व हनुमान के
वापस आने का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसके इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लक्ष्मण के होश में ना आने पर भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो, प्राण धारा मतलब प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही मुझे सौंपा था। सौंपे सी मोही मतलब मुझे सौंपा था, सब विधि सुखद यानी कि ये हित जानकर ही मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। उठी किन मोही सिका बहूं भाई, मतलब तुम मुझे खुद उठकर बताओ। फिर भाई मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार भगवान राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कोमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। ठीक है, उमा, यहाँ पर उमा मतलब पार्वती जी से हैं। और प्रभु प्रलाप सुनी कान, और ऐसा प्रभु का विलाप सुनकर, ऐसा प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के जो समूह है वो व्याकुल हो गए, विकल भय मतलब व्याकुल हो गए, भय मतलब हो गए। और इतने में ही आई गए हनुमान, आ गए हनुमान, और इतने में ही हनुमान जी आ गए। ऐसा लगे जैसे जिमे मतलब जैसे करुण रस में, करुण रस में जैसे उन्होंने करुण स्वर में भगवान श्री राम उनकी करुण व्यथा को वो उसमें व्यक्त करते हैं, उसमें वीर रस प्रकट हो गया हो। और इसी के साथ में ये चौथा समाप्त होता है, चौथा प्रसंग। और देखते हैं आगे पांचवें, पांचवा लिखते हैं, हर्षि राम भेटऊं हनुमान अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना, तुरत बंद तब कीन ही उभाय पाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाड़ हृदया लाई प्रभु भेट उभ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता, कपि पुनि बंद तहां पहुंचवा, जे ही विधि तब ही लाए ताही लह आवा। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। हर्षि यानी कि प्रसन्न होकर भगवान राम भेंटों मतलब मिलते हैं हनुमान जी से, भेंटों मतलब भेंट करते हैं, मिलते हैं हनुमान जी से। अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना, और अति यानी कि अत्यधिक कृतज्ञ यानी कि आभार प्रकट करते हुए, और सुजाना यानी कि अच्छा ज्ञानी समझदार। और उठी बैठे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी उठ पड़े, लक्ष्मण जी उठ पड़े, भ्राता यानी कि भाई, हर्षे यानी कि प्रसन्न हुए, सकल सभी प्रसन्न हुए, भालु और कपि यानी कि बानर सेना, भालु और बानरों की सेना वो सारे प्रसन्न होकर उठे। तो चलिए इसकी इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग आपको यही लिखना है, प्रस्तुत ये काव्यांश है और ये हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मुच्छ और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी प्रकार की जो प्रसन्नता है वो इसमें वर्णन है। यही आपको लिखना है, इसी जो आप इसकी व्याख्या करेंगे उसी से आपको इसका प्रसंग मिल जाएगा। तो इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। तो हनुमान के आने पर भगवान श्री राम प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया,
परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता कृतस्य यन की कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही तुरंत यन की तुरंत शीघ्र ही वन यन की वैद्य ने तभी शीघ्र ही उपचार किया जिससे लक्ष्मण जी उठ बैठे उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए हर्षाड़ यन की प्रसन्न हुए और लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर सभी भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई और हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी प्रकार उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। तो यहाँ पर इसकी अगर विशेषता है तो यही है कि लक्ष्मण ने ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का इसमें वर्णन है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, चौपाई यानी कि चार हैं, इसमें चार छंद है इसलिए चौपाई छंद इसको बोलते हैं। प्रभु परम तव ही माता ही में घटनाक्रम में तीव्रता है। चलिए आगे देखते हैं छठे काव्यांश को। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिरे धुनेऊ व्याकुल कुंभकरण पहीं आवा विबुध जतन करी ताहीं जगावा जागा निसीचर देखियो कैसे मानहु कालु देह धरी भैंस कुंभकरण बुझा प कहूं भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। वृत्तांत यानी कि वर्णन करना, विषाद यानी कि दुख, सिर धुनेऊ यानी कि पछताया, पही यानी कि पास, आवा यानी कि आना आए, विविध यानी कि अनेक प्रकार की तरह तरह के, जतन यानी कि उपाय करना जतन करना, और करी यानी कि करके, ताही मैंने उसे, जगावा यानी कि जगाया, निसीचर यानी कि राक्षस अर्थात कुंभकर्ण, और कालु यानी कि मौत, मानहूं यानी कि मानकर, देह यानी कि शरीर धर के, धरी यानी कि धारण करके, बैंस यानी कि बैठे, और बुझा यानी कि पूछा, कहो भाई यानी भाई कहो, काहे तब मुख रहे सुखाई, सुखाई मतलब मुख या आपका मुख इतना सुखा हुआ क्यों है। तो इसकी प्रसंग की अगर हम बात करें तो उसी प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरित के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या से ही आप इसके जो प्रसंग है उसको आप लिख सकते हैं। लंका कांड, इससे आपको पता चलता है कि लंका की बात हो रही है तो लंका कांड आपको लिखना है। तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वे दुख से अपना सिर धुनने लगे, व्याकुल होकर वे कुंभकर्ण के पास में गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक ही बार उठता था। कुंभकर्ण जाकर बैठ गया, वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तब मतलब तुम्हारे और काहे मतलब क्यों किस लिए, और मुख माने मुख, रहे सुखाए मतलब सुख रहे हैं। और इसी के साथ में ये छठे काव्यांश का यहाँ पर व्याख्या समाप्त होता है। आगे देखते हैं साथ में काव्यांश को। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निसी चर मारे, महा महा जोधा संघारे, महा दुर्मुख सुर रूपु
अनुज अठ आहारी आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समरन मही सबरन धीरा। इसमें दोहा भी है एक, सुनी दसकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जग दबा हरि अनि अब सठ चाहत कल्याण। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं, कथा यानी कि कहानी और अभिमानी यानी कि घमंडी, तेही यानी कि उस, और कही यानी कि कई और प्रकार कई तरह के, सीता हरि आनि, हरि यानी कि हरण करके, आनि मतलब लाए, कपिल कपिल यानी कि हनुमान आदि वानर, कपि यानी कि वानर होता है, निशीचर यानी कि राक्षस मारे यानी कि राक्षसों को मारा, महा महा जोधा, जोधा मतलब योद्धा, संहारे मतलब संहार किया, दुर्मुख, दुर्मुख नाम का जो राक्षस है वो उनको मारे, और अतिकाय अकंपन भारी। ठीक है, तो इसमें रणधीरा यानी कि रणधीर, और दशकंधर इसका मतलब रावण, रावण का नाम दशकंधर है, कंधर कंध यानी कि कंधे हैं, रावण के दस कंधे हैं इसलिए दशकंधर कहा जाता है। तो कल्याण यानी कि कल्याण, शुभ इत्यादि, और सठ यानी कि मूर्ख। ठीक है, और जगदबा यानी कि जगदम्बा यानी कि जगत जननी। और तो चलिए इसकी प्रसंग को एक बार देख लेते हैं, उसी प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग टू में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है, लिया गया है। यह प्रसंग रामचरित के लंका कांड से लिया गया है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और इस प्रसंग में कुंभकर्ण और रावण के जो वार्तालाप है उसका वर्णन है, तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। तो अभिमानी रावण ने जिस प्रकार सीता का हरण, कही प्रकार मैंने जिस प्रकार सीता का हरण करके लाए, हरण करके लंका में लाए थे, उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा रावण ने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया, हे तात हे भाई, हनुमान ने सारे राक्षसों को मार डाले हैं, मार दिए हैं, उसने महान महान योद्धाओं को, महा महा यानी कि महान महान योद्धाओं को, जोधा यानी कि योद्धाओं को, योद्धाओं का संहार किया, संहार कर दिया। इसमें सभी राक्षसों के नाम हैं, दुर्मुख है, देवशत्रु है, और नरांतक है, इतने सारे महायोद्धा, अतिकाय अकंपन महोदर, ये महोदर आदि अनेक वीरभूमि वीर युद्धभूमि में मरे पड़े हुए हैं। और रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण विलखने लगे और बोले कि अरे मूर्ख, अरे मूर्ख। यहाँ पर कुंभकर्ण जी बिलखने लगते हैं और कहते हैं, जग दवा यानी कि जगत जननी जानकी माता को चुरा कर अब तो कल्याण चाहता है, अब अनी और सठ चाहत कल्याण, और अब तो कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। यानी कि कुंभकर्ण रावण को कहते हैं कि तुमने जो सीता माता का, जगत जननी माता सीता का हरण किया है वो तुमने सही नहीं किया है, और इसके बावजूद भी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या आप लिख सकते हैं, इसकी जो कथा है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में ही ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।
और अगले वीडियो की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं।